ऐसा वो कौन सा जीव है जो बिना खाए पिए भी सालों जिंदा रहता है? यह बात जुलाई की है, जब अमावस्या की रात चल रही थी। रात का समय है और मोटू पतलू अपने अपने घर जा रहे हैं और जंगली जानवर का आवाज़ आ रहा है। जंगली जानवर के कारण दोनों डर रहे हैं। कुछ समय के बाद मोटू के अंदर भूत समा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद अचानक पतलू को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी पतलू पीछे मुड़कर देखता है तो एक साधु बाबा आ रहे थे। बाबा रुक जाते हैं और पतलू से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम पतलू है। अब कुछ ही देर के बाद तुम्हारा दोस्त मोटू मर जाएगा। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों ने हमेशा दूसरों की मदद की हो, किसी को परेशान नहीं किया और बड़ों की कहना माना। तुम दोनों बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। कुछ समय के बाद मोटू की मौत हो जाएगी। यह सुन पतलू घबरा जाता है। बाबा, मोटू के बिना मैं भी मर जाऊंगा। मोटू से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मोटू मेरा बचपन का दोस्त है। अब कोई उपाय बताइए मोटू को बचाने के लिए, कोई तो उपाय होगा। फिर बाबा बोलते हैं, उपाय है लेकिन वह बहुत कठिन है। क्या तुम उस उपाय को कर पाओगे? क्या बाबा आप मुझे उपाय बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मेरे मोटू के लिए। तब बाबा बोलते हैं, काली पहाड़ी के उस पार एक जंगल है। उस जंगल में तुम्हें एक गुफा मिलेगा और उस गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। उसके पास एक जड़ी बूटी है। अगर वह जड़ी बूटी मोटू को सुंघाया जाए तो मोटू मरने से बच जाएगा। और मैं तुम्हारी दोस्ती देख बहुत खुश हुआ, तो मैं तुम्हें मेरी शक्ति से सीधा उस गुफा में पहुंचा देता हूं जहां वह तांत्रिक मिलेगा। फिर वह बाबा पतलू को अपने जादू से उस गुफा में पहुंचा देते हैं। पतलू गुफा में तांत्रिक को ढूंढता है और उसे तांत्रिक मिल जाता है। फिर पतलू तांत्रिक से मिलकर उसे सारी बात बता देता है। फिर तांत्रिक बोलता है, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा जवाब सही निकला तो मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी दे दूंगा। फिर पतलू बोलता है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बस आप मेरे मोटू को बचा लीजिए कैसे भी करके। आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा वो कौन सा जीव है जो बिना खाए पिए भी सालों जिंदा रहता है? फिर पतलू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद पतलू को जवाब आ जाता है। फिर पतलू बोलता है, के सवाल का जवाब मकड़ी है, क्योंकि मकड़ी ही ऐसा जीव है जो बिना खाए पिए सालों जिंदा रह सकता है। पतलू का यह जवाब बिल्कुल सही था। तांत्रिक पतलू से खुश होकर उसे वह जड़ी बूटी दे देता है। फिर पतलू मोटू के पास जाकर उसे वह जड़ी बूटी सुंघाता है। इस तरह पतलू ने मोटू की जान बचा ली।